कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर, आपके साथ मैं हूँ आंचल कादियान। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक का विमोचन किया है। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी पर आधारित टिकट शामिल है। इस तरह पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। ये टिकट ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान चल रहा है। इसके बाद 22 जनवरी को राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से श्री राम जन्मभूमि पर स्मारक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी किए गए डाक टिकट की एक पुस्तक का विमोचन भी किया। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, नमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और आसपास की मूर्तियां शामिल हैं। डाक टिकट पर आधारित पुस्तक पर भगवान राम की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को दर्शाया गया है। 48 पन्नों की इस किताब में 20 से ज्यादा देशों के डाक टिकटों को शामिल किया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करते हैं। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। ये किताब युवाओं को भगवान राम की भक्ति की भावना से ओतप्रोत करेगी। इसके साथ ही मंदिर की वास्तुकला और पंचतत्व के दर्शन की भी झलक इसी में देखने को मिलेगी। भारत से बाहर भी उतने ही महान आदर्श हैं। विश्व की तमाम सभ्यताओं पर प्रभु राम का कितना गहरा प्रभाव रहा है, रामायण का कितना गहरा प्रभाव रहा है और आधुनिक समय में भी अनेक राष्ट्रों ने किस तरह उनके चरित्र की सराहना की है। ये एल्बम इन सब जानकारियों के साथ
प्रभु श्री राम और माता जानकी की लीला कथाओं की एक संक्षिप्त सैर भी कराएगी। एक तरह से महर्षि वाल्मीकि का वो आह्वान आज भी अमर है जिसमें उन्होंने कहा था, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत हैं, नदियां हैं, तब तक रामायण की कथा, श्री राम का व्यक्तित्व लोक समूह में प्रचारित होता रहेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं है जो भगवान राम पर डाक टिकट जारी किए गए हैं। इससे पहले विदेशों में भी इस तरह के डाक टिकट जारी हुए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि भगवान राम ने विभिन्न सभ्यताओं पर भी गहरा प्रभाव डाला है। जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए। डाक टिकट जारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पन्नों के जरिए लोग अपनों के पास सामान ही नहीं बल्कि इतिहास के किसी अंश को भी भेजते हैं। ये टिकट केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं, उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना। लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैंप्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्टवर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा।
दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। इस दौरान वो लगातार भगवान राम से जुड़े मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में काला राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए इस अनुष्ठान की शुरुआत की थी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। तो वहीं पर 500 साल का इंतजार अब लोगों का खत्म हो रहा है। ऐसे में 500 साल से ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और आपको बता दें कि 500 साल का इंतजार लोगों का खत्म हो रहा है। 500 साल से ज्यादा का वक्त टाट में गुजारने के बाद रामलला अपने महल में पहुंच गए हैं। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को विराजमान करने के पहले पूजा पाठ किया गया। इसके बाद 3.4 फीट ऊंचे आसन पर रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा को स्थापित किया। अयोध्या में राम भक्तों का सालों का इंतजार खत्म हो गया है। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद रामलला आखिरकार राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। मंदिर में करीब 4 घंटे तक चली पूजा के बाद भगवान श्री राम की मूर्ति नृत्य मंडप में पहुंची। गर्भगृह में 51 इंच की 200 किलो की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर में गर्भगृह में रामलला का आसन 3.4 फीट ऊंचा है, जिसे मकराना पत्थर से बनाया गया है, जिस पर रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। राम मंदिर में कर्मकांड की शुरुआत गणेश पूजन के साथ हुई। पूजन के क्रम में ही भगवान रामलला के अचल विग्रह को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया गया। मंदिर में रामलला की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इसके पहले रामलला की चांदी की प्रतिमा को राम मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया। पहले रामलला की अचल मूर्ति को जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कराने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा कारणों और मूर्ति का वजन अधिक होने की वजह से परिसर भ्रमण की रस्म रामलला की छोटी चांदी की प्रतिमा से पूरी कराई गई। इस बीच मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजता रहा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरा कार्यक्रम 40 मिनट का रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में 8,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि गर्भगृह में पीएम मोदी समेत 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद नियमानुसार मूर्ति को आईना दिखाया जाएगा। दरअसल मूर्ति को आईना दिखाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान के विग्रह में इतना तेज होता है कि उसका तेज खुद भगवान ही सहन कर सकते हैं, इसलिए प्रतिमा को आईना दिखाया जाता है। प्रतिमा को दिखाने के बाद आईना टूट जाता है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुजारी सुनील दास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास का आचार्य वर्णम अनुष्ठान किया। इस मौके पर आचार्य सतेंद्र दास ने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके संबंध में कि यह क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसकी सबको जिज्ञासा होती है। उस परमात्मा भगवान श्री राम और ये बनी हुई जो प्रतिमा है,
इसमें उस साक्षात परमात्मा की सारी शक्तियां इसमें समाविष्ट हो जाएं। अब आने के इस मंत्र के द्वारा किया जाता है, जो हमारे वेदों में वर्णित मंत्र है और समाविष्ट है, जिससे जिस प्रकार के देश की कल्याण काल और आने वाले भक्तों की जो दर्शन है, उस दर्शन के माध्यम से उनका कल्याण हो, सभी के कल्याण, जो शक्ति उस परम परमात्मा रमंती योगिनो जिसमें नित्यानंद चिरात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्मा, उस परब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है वो इस प्रतिमा में जो बनी हुई है इसमें आ जाए। और जो शक्ति और जिस शक्ति से परमात्मा की तपस्या और उनसे हमको शक्ति मिलती है, हमारा कल्याण होता है, उसी इस प्रकार की शक्ति इसमें भी है। और इस परमात्मा के स्वरूप में विराजमान इस प्रतिमा के हम इसे दर्शन करें तो इसे हमको फल मिलेगा, जैसे साक्षात परमात्मा की तपस्या करने से प्राप्त होता है। यही है कि सारी शक्तियां जो भगवान राम की है वो इसमें समाविष्ट हो जाए, ये मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसीलिए जो भी प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन करने वाले, पूजा करने वाले और जो मांगने वाले जो कुछ हैं, वो सबका कल्याण होता है, सब कुछ उनको प्राप्त होता है, यही प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद रामलला को अधिभास में रखा गया है। इसके बाद पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारों के साथ आगे की विधि पूरी की जाएगी। फिलहाल रामलला मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए हैं। न्यूज इंडिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या नगरी को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। अयोध्या नगरी में चप्पे चप्पे पर जवान की मौजूदगी देखने को मिल रही है। इस बार अयोध्या को अभेद किला बनाने में AI तकनीक की भी मदद ली गई है। इस वक्त पूरे देश और दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है। राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के जवानों ने संभाल ली है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। राम नगरी की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने थल, नब और जल में देश के भरोसेमंद पहरेदार तैनात कर दिए हैं। आतंकवाद विरोधक दस्ता, स्पेशल टास्क फोर्स PAC, विशेष सुरक्षा बल समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जवानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी ड्रोन और CCTV कैमरों को भी लगाया गया है। GPS से लैस नाव, सरयू नदी और घाटों पर NDRF की टुकड़ी तैनात। सरयू नदी में सभी नाव GPS से लैस। अतिथियों की पहचान के लिए बारकोडिंग तकनीक का इस्तेमाल। अयोध्या नगर निगम ने कई भाषाओं में साइन बोर्ड लगवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाले समारोह में तकरीबन 8,000 VIP अतिथि रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते।